कुंभलगढ़ में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने भरा नामांकन। नाथद्वारा में सीपी जोशी ने दाखिल किया नाम निर्देशन पत्र। नाथद्वारा विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी ने उनकी धर्मपत्नी के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचकर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही उनकी पत्नी उनके साथ रही और नामांकन प्रस्तुत करते वक्त भी आप उनके साथ में तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरह कुंभलगढ़ विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके साथ में कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए सूरत सिंह दसाना भी उनके साथ में है और चार पांच कार्यकर्ताओं के साथ सुरेंद्र सिंह राठौड़ उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। अब देखिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के बाद कुंभलगढ़ में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ क्या कुछ बोले, देखिए आप उन्हीं की जुबानी। आज नामांकन दाखिल किया है, क्या रहेगी आगे की रणनीति? जनता के आशीर्वाद से नामांकन दाखिल कर दिया है और जनता का जिस तरह से जन सैलाब यहाँ आया है, इस हिसाब से रणनीति अब जनता बना रही है और आगे क्या करना है, क्या विजन है कुंभलगढ़ के लिए? कुंभलगढ़ के विजन में अभी कुछ ही देर में वहाँ जनता के सामने बताऊंगा और आपके पास में भी डिटेल में भेज दूंगा। कल पूर्व प्रधान